अजमेर में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बने मकानों और दीवार काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्षेत्र के लक्ष्मी मोहल्ला छोटी नागफनी इलाके में बारिश के कारण सड़क बनाने के लिए बनाई गई दीवार नीचे ढह गई और इसका मलबा नीचे मकान पर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन मकान को नुकसान जरूर हुआ है। दीवार ढहने के कारण बिजली का पोल भी पूरा मुड़ गया। इस मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन के साथ ही स्थानीय प्रशासन को दी है, जिससे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विगत 2.5 सालों से इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है और न ही सड़कों पर नालियां बनाई गई है, जिसके चलते बारिश का पानी दीवारों में ही गुजरता है और उसके कारण इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी एक बड़ा हादसा इसी क्षेत्र में हुआ है, जिसमें 2 से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हर बारिश के दौरान इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में यह हादसे होते रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिलहाल इस संबंध में स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम को सूचित किया है, जिससे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। वहीं इस हादसे के बाद क्षेत्रवासियों के बीच कहासुनी भी देखने को मिली और हंगामे को देख स्थानीय गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही बिजली कटवाई गई, जिससे कि आगामी कार्रवाई की जा सके। दिव्या, किस तरीके की परेशानी आ रही है और क्या हादसा हुआ है? सर, ये रात को क्या है, 1 बजे करीब ये जो है सरकारी दीवार ढस गई और ये पंखा जो आप ये पोल जो आप देख रहे हैं पीछे, ये ढस गया है। और ये क्या है, इनके जो पीछे मकान है वो काफ़ी इसमें मतलब रिस्क में आ गया है। ये जो उसके ऊपर जो पूरे पत्थर वगैरह हैं पूरे उसके ऊपर जाके गिरे हैं। ये तो किस्मत रही कि उनके मकान को किसी तरीके की हानि नहीं, और जो अंदर घर में लोग सो रहे थे उनको किसी तरीके की परेशानी हुई नहीं, लेकिन ये कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर 2.5 से 3 साल हो गए हैं, इस पूरे क्षेत्र के अंदर किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर एक ईंट नहीं रखी गई है इस पूरे वार्ड के अंदर। जब से हमारे पास यहाँ पर जो भी नए पार्षद मनोनीत हुए हैं उन्होंने किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया है इस वार्ड में, तो यहाँ पर क्या लगातार परेशानी। और यहाँ पर जितने भी मकान बने हुए हैं, जितनी भी सड़क बनी हुई है, कोई नालियाँ नहीं बनी है ना किसी तरीके की, यह डोलियाँ गिरी है। इससे पहले भी एक बार यहाँ नीचे दुर्घटना हुई थी, तब भी यहाँ पर जो है 3 से 4 लोग करीब मर गए थे दब करके इसी तरीके के मकान के हादसे के अंदर। तो क्या है, अभी यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है पूरा रिस्क के अंदर है। अब जब पार्षद को अवगत कराया अभी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी झड़प हो गई तो प्रशासन की धमकी दी जा रही है, पुलिस कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन से हमने सब शिकायत करी है, तो वो पुलिस की शिकायत धमकी दी जा रही है कि आप लोगों ने इस तरीके से कैसे करना है। अब सर, पब्लिक क्या करेगी जब परेशान होगी, तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक का गुस्सा निकलेगा ही ना सर। बस इस तरीके की बात हो रही है और जब से लगे हुए अभी तक तो किसी तरीके का कोई कार्रवाई हुई नहीं। पार्षद है हमारे ये गीता देवी लखन, वार्ड नंबर 7 से। अभी यहाँ नहीं आई जी? नहीं, वो नहीं आई है। उनके पुत्र जहाँ पर आए हैं वो हैं, कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं बगैर, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। और उनसे ही हमारी बात हुई थी तो हमारे जी कोई जनहानि नहीं, किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये तो नसीब की बात है। लेकिन हो जाती तो प्रशासन क्या करता, अगर 2.5 साल से इस वार्ड में ध्यान दिया जाता तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहित है, स्थानीय निवासी, वार्ड नंबर 7 से। कौन सी जगह है ये? लक्ष्मी मोहल्ला छोटे नागफनी गली नंबर 1 में आता है।